साहब के हॉस्पिटल में भर्ती होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट उन्हें मिलने पर उन्हें ब्रेथलेसनेस की वजह से हिंदुजा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाने पर सायरा बानो ने कई टिप्पणियां की। अपने पति को लेकर उन्होंने कई बातें शेयर की, लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ सामने आ रही है दिलीप साहब की हालत को लेकर। दुआएं कर रहे हैं लोग। एक रिपोर्ट कह रही है कि दिलीप साहब का बिना नाम लिए हुए अमिताभ बच्चन ने दिलीप साहब के लिए दुआएं की हैं। उन्होंने गुड हेल्थ को लेकर दुआएं की हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर माने खबरों की तो दिलीप साहब को लेकर अमिताभ बच्चन ने जो कहा है वो काफ़ी चर्चा में है। दरअसल ट्विटर पर अमिताभ बच्चन बहुत एक्टिव रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं, और उन्होंने ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कही हैं। अब तक देखा जाए तो अमिताभ बच्चन ने कई पोस्ट शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर। अमिताभ बच्चन के पोस्ट इस बात की तरफ इशारे करते हैं क्योंकि वो वाकई में काफ़ी दुखी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में दिलीप साहब को लेकर उनका नाम लिए बिना ये कहा था कि कितना ज़्यादा सेहत को लेकर ख्याल रखने की ज़रूरत है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था, इवन दो कंडीशंस इन कोविड इन सम लोकेशंस मे बी सीइंग अ डिक्लाइन, प्लीज डू नॉट बी लैक्स, कीप द प्रोटोकॉल, वॉश हैंड्स, वो वियर मास्क, कीप द डिस्टेंस, कंट्रोल ट्रेवल टू द वेरी एसेंशियल एंड फॉलो द टाइम लिमिट्स एंड गेट वैक्सीनेटेड। ये अमिताभ ने लिखकर दुआएं की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।